हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशांत ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज आम प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर ओडिया अनर्स कोर पेपर सिक्स यूनिट टू भाषा उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांतर आउ एक इम्पोर्टेंट दीर्घमूलक प्रश्न डिस्कसन करवा। यह पूर्व आम आउ गए डिस्कसन कर सारी भाषार उत्पत्ति विभिन्न जो क्यों मैंने कौन सब मत देखते आज आम आउ गए इम्पोर्टेंट दीर्घमूलक प्रश्न डिस्कसन करवा रही। कथित भाषार स्वरूप दर्शाए कथित भाषा और लिखित भाषा मध्य पार्थक्य दर्शाओ। आउ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन रही यूनिट टू रु। तो जहाँ सब आम चैनल डिस्कसन हो सब आप गोटे गोटे इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन रही थर्ड सेमिस्टर पर। तो भल भाव में भिडियो टू शेष पर्यटन देखिए और चैनल को प्रथम थर आसते चैनल को सब्सक्राइब कर अल्ल नोटिकेसन अन् करदे जहाद्वारा ये प्लस अल्ल सेमिस्टर क्लास गुड़िक आपने सर्वतमे पहुँचाइ। यह पूर्व आम जितोटे ओडिया अनर्स क्लास होती है आपने डिस्क्रिप्शन जाकि थर्ड सेमिस्टर ओडिया अनर्स क्लास प्लेस जितोटे क्लास होती है आपने देखिपारे। तो आम क्वेश्चन रही कथित भाषार स्वरूप दर्शाए कथित भाषा और लिखित भाषा मध्य पार्थक्य दर्शाओ। तो रही भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया, भाषा शिक्षण और आहरणीय अटे। समाज रू पाटे भाषा शिक्षा करें तेणु भाषा शिक्षण। भाषा को सर्वदा उच्चारण द्वारा चिन्ह जाए थाए। भाषा उच्चारण से प्रकाश पाई थाए, बिना उच्चारण से भाषा प्रकाश पाई न थाए। तापर दैनंदिन जीवन में आम जो भाषार कथबार्ता करूँ कथित भाषा कह जाए। कथित भाषा मनुष्य मौलिक अधिकार अटे। उपभाषा एक कथित भाषा होता है। कथित भाषा को अनुशीलन करने समय विभिन्न अंचल विभिन्न भाषा आसी एक मानचित्र प्रस्तुत होता है। मानचित्र प्रदत्त से अंचल सीमा को कथित भाषा क्षेत्र कहुए। भाषा क्षेत्र में वैषम्य को परिलक्षित करने जो अनुसंधान कराए से विभिन्न लोकंर विभिन्न लोकों मध्य भाषार साम्य और वैषम्य को चिन्हित करने एक निर्दिष्ट मानचित्र प्रस्तुत कराए। ये लोकों मध्य कथित भाषार साम्य और वैषम्य को ये मानचित्र सीमा निरूपण कराए कथित भाषा क्षेत्र प्रस्तुत कराए। कथित भाषा रही कथित भाषार क्षेत्र व्यापक। जितेबाला कौन सी भौगोलिक सीमा प्रतबंधक हुए से कथित भाषार भिन्नता लक्ष्य कराए। अर्थात कथित भाषा संकुचित नुहे। समाज विभिन्न स्थान में कथित भाषार भिन्नता आसी थाए। कथित भाषार निर्दिष्ट सीमा ना तेणु यह व्यापक। पहाड़ अंचल लोक मान भाषा और समाज मध्य बसवास कर लोक मान भाषा भिन्नता देखाए। कारण पहाड़ अंचल लोक मैंने समाज ठार दूरे रही था और भाषार उन्नति को जापारती ना तेणु कथित भाषार भिन्नता देखाए। तापर कौन कारण पारस्परिक विनिमय अभाव घटे कथित भाषार भिन्नता परिलक्षित होता है। साधारण जोगाजोग विच्छिन्न रोकवा स्थान कथित भाषार भिन्नता आने स्वाभाविक। उदाहरण ग्राम मानक गमनागमन सुविधा नथिले से ग्राम रे भाषार उन्नति हो पारना। तापर उच्चारण विभिन्नता और प्रयोगात्मक नहीं भाषार क्षेत्र प्रस्तुत कराए। तुलनात्मक दृष्टि दुईट अंचल गोटे भाषा भिन्न भिन्न रूपे प्रकाश पाई। तापर आम जहाँ भावु चिंता करूँ ता भाषा मध्यम प्रकाश करने चेष्टा कर। भाषा हूँ स्वतस्फूत परिप्रकाश स्वकीय भावधारा को धरी परिप्रकाश आंचलिक भाषा स्वतस्फूत होता है। तापर से आस लिखित भाषा बा मानक भाषा मध्य पार्थक्य रही। लिखित भाषा साहित्य सृष्टि करकरण को अनुकरण करक्तिगत रुचि न था। लिखित भाषा को मानक भाषा कह जाए। जगन्नाथ दास समय मानक ओडिया भाषा और कथित भाषा मध्य प्रभेद सृष्टि है। जो भाषा पुस्तक लिखा जाता ता सब लोक से भाषा कथा कह न पुस्तक लिखा जा भाषा को लिखित भाषा रूप ग्रहण कराए। तापर लिखित भाषा व्यापक किंतु लिखित भाषा कथित भाषा ठीक कम व्यापक होता है। लिखित भाषा होती व्याकरण अनुगमित और संयम। लिखित साहित्य व्याकरण को अनुकरण मात्र कथित साहित्य व्याकरण आवश्यकता न थाए। लिखित भाषा को नहीं साहित्यिक मान निर्णय कराए मात्र कथित भाषार साहित्यिक मूल्य प्रकाश पाए ना। तापर लिखित भाषार व्यक्तिगत रुचि न थाए मात्र कथित भाषा प्रत्येक व्यक्तिर व्यक्तिगत रुचि अनुसरण अनुसार परिवर्तन होता है। तर उदाहरण देखिए लिखित भाषा आम पूर्णिमा लिखला समय कथित भाषा आम पुनी कही था। लिखित भाषा भाव प्रकाशर उच्चकोटीर माध्यम मात्र कथित भाषा प्रकाशर माध्यम भाव प्रकाशर माध्यम। तापर मनुष्य निजर भाषा को चिरस्थायी और विस्तृत करने लिखित रूप दिए। लिखित भाषा भाव प्रसारित एक माध्यम। शिक्षित गोष्ठी या व्याकरण करें तेणु लिखित भाषा को आम साधु भाषा उच्चकोटीर भाषा कही था। तापर भाषार दुईट दिग रही गोटे हूँ लिखन कथन रहा। तेणु कथित भाषा मुख उपर निर्भरशील होता है मात्र लिखित भाषा लिपि उपर निर्भरशील होता है। तापर लिखित भाषार चार चारोटी माध्यम अच्छी गोटे हूँ लिखा पढ़ा कह शुणा।
ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲିଖିତ ଭାଷାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟୀ ରୁହେ ଯିଏକି ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହୁଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଉପରୋକ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କଥିତ ଓ ଲିଖିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ନର୍ସର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ ପେପର୍ ସିକ୍ସର ୟୁନିଟ୍ ଟୁର ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆକୁ ଆପଣ ଏଇନେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର୍ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଅଲ୍ ସେମିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିବା, ଧନ୍ୟବାଦ।